हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। मुझ सुनी आपण मानक स्वागत करुच्छे स्मार्ट सुनी ओडिया ब्लॉग्स रा गोटे फ्रेश वाला एपिसोड। तो आपण माने वीडियो देखिपे आज मॉर्निंग रे बनाई पूरी पूरा गरम गरम पुणी नरम नरम। तो गरम गरम पूरी को आलू बुट डाली कखारू तरकारी। तो जदि से होगा कौन कह तो क्या भल लगे एमती पूरी आलू बुट डाली तरकारी मत नि कमेंट सेक्शन में लिखे। मुझ बिगनर्स मानाई आ सब गृहणी मानाई नहीं आसी गोटे पूरी रेसीपी। आपण मैंने तो घर एमती प्राय पूरी बनाऊे कि मो प्रोसेस रे थरे बनातु आउपर कहे आपण मानक केमती लगला भल लगला भल न लगला मत कमेंट सेक्शन में जनइबे। आदि भी कहीं मो प्रोसेस बनाऊ भी था भी मत जनइबे तो मत बहुत खुशी लगे। चलां तो आ डेरी करिवानी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करिवा। पूरी बनैबा पूर्वर चलंतु मुँ आपण को अटा चकटा पूर्व गोटे मेथड देखा। आप देख पारे मुझे गोटे बाउल नहीं जाऊल मुझे प्राय गोटे रु देढ़ चमच चीनी नहीं जाइए आईटि मु पकईदेवि हाफ चमच आमर लुण जी पूरी आवश्यक से लुण पकईदे आ बर्तमान एथेरे अल्प टिके नाकु पानी दे देबा बस जेमती लुण आ चीनी भल भाव मेल्ट हो पार से देखने मु पानी दे देली आ गोटे चामच साहजरे मु ताको टिके मिक्स कर दउचे। आ मिक्स कर दे कि कौन करिवि ना ताको अलग साइड के रखि देबा तापरे हम हमर बट्टा चकटिबा को जिबा। देखो मुझे गोटे मोर गांगुल आनली भारी आठ जो बाउलटा अच्छे से बाउल में मुझ दी कप अटा नहीं हाफ कप नहीं मैदा अटा आ मैदा को मु भल भाव गोलईदेवि मैदा को भल भाव मिक्स कर सारापर मु अल्प टिके आमर रिफाइंड तेल नहीं जाकि पकईदे रिफाइंड तेलटा को भी आम आम अटा मैदार जो रखीचे मिक्सटा ता भितर भल भाव देखु मुझ भल भाव गोलईदे। देखो मो आमर अटा मैदा आ बिना मैदार भी करहब कि असुविधा ना जेहेतु मोर अल्प मैदा थी मुझे आड कर दे कि मैदा दे आहरी बढ़िया लगे मैदा नदे भी तार टेस्ट किसी परिवर्तन हबो ना। तो देखो मुझे मिक्स कर देला जो प्रथम आम जो लुण चीनी मिक्सटा कर रखी थे बर्तमान से पाटा को कौन करना से अटारे ढाड़ीदे से पाटा को ढाल देक देखो मो हाथ साहजरे केमती भल भाव मानते मिक्स कर करदे अटा जो आमर गोल सब पा दे कि मुझे भल भाव चीनी आ लुण पानी तो देखिए भल भाव चकड़ी देली। तो से चकड़ी देलापर आती आम रेस्ट पा दरकार हम मुझ अल्प अल्प पा देक आम भल भाव चकटीद अटाटा जमी चकटा हाँ देखि पारथे मु किसी समय चकटिला मो अटाटा ये भाया मानते चकटी दे पूरा नरम है कि पूरा टाण भी ना आई समय मुझे कौन कली ना आमर जो कसूरी मेथी अच्छे से कसूरी मेथी किसी से अटा चकटा देदेली आई अटा चकटा कसूरी मेथी को मिसेक मुझ पाँच रु दस मिनिट भल भाव चकटीदेवि। देखो अटा चकटाटा मोर भल भाव चकटिकी रखीदेली बर्तमान मुझे अल्प टिके रिफाइंड तेल ये देदे अल्प टिके रिफाइंड तेल देक यही अटा चकटाटा आउ थे भल भाव चकटीद एमती बारंबार चकटा फल कौन हम ना आमर अटा चकटाटा भल भाव पूरा खास्ता हो पूरा स्मूथ हम आमर पूरी जिते बनब से पूरा फुलाफुला नरम हो र चकटी देली भल भाव आपने देखिपे बर्तमान आम आई करें अध घंटे घंटाटे रेस्ट करने छाड़ीद प्राय अध घंटे 45 मिनट पखापाखी हो गला। आखु आमर अटाटा पूरा सेट हो जाए देखु चकटिले देखते के सफ्ट होता हूँ परफेक्ट एमती ही अटाटा रहा अटा आम चकटार छोट छोट बल आपणकर हिसाब से दरकार पूरी तो साधारण तो छोट छोट रहे आउ कि मीडियम भी जहाँ को जमी पसंद प्राय करते मुझे छोट बड़ मिसेक कर देखूँ मोर यही सैज्र मुझे पूरी उड़ा करी तेणु मुझे यही सैज्र कौन करा मोर जी दरकार से बल ये तैयारी करीदे आगे सैड करके सब रखिदे ये देखो मोर जी दरकार से मुझ अटार बल तैयारी करदेली आकी जो अटा तक रहीगला मुझे सैड करदेली आईटी मुझे नहीं आसली मोर बेलना पटा आई आसली आम बेलना काठी
ଆଉ ପୁରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ନେଇ ଆସିଛି କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇକି ମୁଁ ପଟାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଟାଟା ଆଉ ତଳେ ଲାଗିକି ରହିବନି। ଆଉ ଆମର ବେଲଣା କାଠିରେ ବି ମୁଁ ଟିକିଏ ତେଲ ମାରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରୀଟା ବେଳିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ରେ ହେବ। ତଥାପି ବି ମାନେ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହୁଏନି ମୋର, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ତ କାହାର ଏମିତି ପୁରୀ ବେଲିଲା ବେଳେ ସାଇଜ୍ ହୁଏନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ ନେଇଗଲି, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ସ୍ଥିରେକି ତାକୁ ବେଲୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ବାକି ଯେମିତି ଯାହା ବନୁ ବନୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରୀ ମୋର ବେଲେଇବା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ହିଁ ରଖିବି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୋର ପୁରୀ ବେଲିକି ରଖିନେଲି, ମୋର ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଭାରି ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ବେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ୟାନ୍ରେ। ତ ତେଲ ପୁରା ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ହାତରେ ଦେଇକି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତେଲ ପୁରା ତାତିଗଲାଣି। ଆଉ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀଟା ପକାଇଲି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୀ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପୁରୀ ପକାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ପୁରୀଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫୁଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏଇ ସମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପୁରୀ ମାନେ ଛାଣିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ଛାଣିକି ଆଣିଲି ଭାରି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରୀ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିଣ୍ଡେଇକି ବି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ହେଇଛି ପୁରୀ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଘରେ ନିହାତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।